हम सोचते हैं शायद हमारे पास अपार धन हो और हम बच जाएंगे, बच जाएंगे, हमारा धन हमें बचा लेगा। राजा सिकंदर, अलेक्जेंडर, सब जानते दुनिया में, पूरे दुनिया के ऊपर जिसका राज हो गया था, कहते उसको एक ऐसी बीमारी लगी कोई भी इलाज नहीं कर सका, और उसने बोला जब मैं मरूं तो मेरे हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना ताकि लोग जान सकें कि पूरी दुनिया का धन भी एक व्यक्ति को बचा नहीं सकता और ना वो साथ ले जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं माइकल जैक्सन, कितना सुना माइकल जैक्सन, इस दुनिया का सबसे अच्छा डांसर था, वर्ल्ड फेमस, लोग पागल थे उसके लिए, जान तक देने को तैयार थे। उसने अपनी जिंदगी में बोला मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। आप जानते हैं उसने बोला मैं 150 साल, 150 ईयर्स मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा। और आप जानते हैं उसके लिए उसने क्या क्या चीजें की, वो किसी से हाथ नहीं मिलाता था, वो दस्ताना पहनता था फिर किसी से हाथ मिलाता था ताकि किसी का भी कोई ऐसा कीटाणु उसके बॉडी में ना आ जाए। उसका पूरा घर जो था ऑक्सीजन बेस्ड था, पूरा घर हवादार, ताजी हवा, ऑक्सीजन से भरा हुआ था। उसको जो डाइट दी जाती थी वो डॉक्टर पहले चेक करते थे, जो डॉक्टर बताते थे वही डाइट वो खाता था बिल्कुल, और उसकी जो डाइट थी उसकी चेकिंग होती थी पहले, हमेशा उसके डॉक्टर उसके साथ रहते थे। इतना हेल्दी खाना खाता था, जो डॉक्टर मना करते थे वो कभी नहीं खाता था। जो उसने कहा मैं 150 साल जिंदा है, मैंने जिंदा रहना है कैसे भी करके, कई डॉक्टर उसकी सेहत के ऊपर लगे हुए थे, उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना, उसने कहां नहीं जाना, किससे नहीं मिलना, क्या पूरा देखरेख रखी जाती थी उसकी। हालेलुया। और क्या हुआ, एक दिन रात को खत्म, 50 साल की उम्र में। किस चीज पे आप भरोसा कर सकते हैं? कहता ये 150 साल जीऊंगा, इसीलिए बाइबल में लिखा है जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, कुछ भी कर लो जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। आज हम सोचते हैं शायद आज मैंने ये नहीं खाया तो मैं ऐसे लोगों को जो सिंपल खाना खाते हैं, कई लोग कहते हैं मैं तो मीठा मुंह भी नहीं लगाता, मुझे शुगर कैसे हो गई, मुझे ये बीमारी कैसे हो गई, मैं तो इतना परहेज करता हूं, मैंने तो जिंदगी में दाल रोटी सिंपल खाने के अलावा कुछ नहीं खाया, मुझे कैसे ये बीमारी हो गई, कई बार लोग आके बात करते हैं। हालेलुया। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, इसीलिए ना तो हमारा धन, ना हमारी ताकत, और ना दुनिया में जिस चीज को आप सोचते हो कि मैं यहां पे सेफ हूं या ये मुझे बचा लेगी, तो हम गलत सोचते हैं। सिर्फ अगर हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, यदि हमारा जीवन, हमारी प्लानिंग वो बना रहा है, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। इसीलिए हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना है, और हमें कहना है प्रभु जो योजनाएं तूने बनाई हैं वो मेरे भले की हैं प्रभु जी, और मुझे उससे बाहर कुछ चाहिए भी नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। आज हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना है।